ओम वंदे गौ माता। मित्रों, स्वास्थ्य रक्षा से प्रभाव सबका स्वागत करती है। मित्रों, क्या आप एक अच्छी माँ हैं? विषय थोड़ा अलग है, पर हमारे बच्चों के लिए, हमारे लिए बहुत आवश्यक है। अच्छी माँ कौन सी होती है? यदि इस विषय पर चर्चा करेंगे तो विषय बहुत लंबा है, पर समाज में अच्छी माँ किसे कहते हैं वो भी विषय बहुत अलग है। बच्चों के लिए अच्छी माँ कौन सी होती है वो भी विषय है। मित्रों, एक अच्छी माँ बच्चों के लिए वो होती है जो बच्चों की हर फरमाइश, हर मांग को पूरा करे और जो बच्चे चाहते हैं वो सब कर दे, अर्थात उनको जंक फूड खाने दे, उनको बाहर की चीज़ें खाने दे, उनके लिए भरपूर खर्चा करे आदि आदि। लेकिन समाज के लिए अच्छी माँ वो होती है जो एक ऐसे बालक को जन्म दे, जो एक बालक का परवरिश पालन पोषण ऐसे करें कि उसके बालक समाज के लिए उपयोगी हों। लेकिन एक सचमुच एक अच्छी माँ वो होती है जो अपने बालक को ऐसे बड़ा करे कि वो बालक संपूर्ण रूप से अपने आप को विकसित कर सके। मित्रों, सबके लिए अच्छी माँ अलग अलग होती है। आप कैसी अच्छी माँ हैं? आप ऐसी अच्छी माँ हैं कि बच्चे को जंक फूड खाने देती हैं, उसकी इच्छा पूरी होने देती हैं और उसको सारी चीज़ों की, उसकी पसंद की सारी चीज़ें उसको देती हैं और साथ ही उसको ढेर सारे रोग देती हैं, उसको ढेर सारी समस्याएं देती हैं। मित्रों, बहुत सी माँओं को हमने देखा, बच्चे ने थोड़ी इज्जत की, बच्चा थोड़ा मचला, तू ले कर। जब आप ऐसा करते हैं तो आपके बच्चे को बिगड़ने से कौन बचाएगा, उसको रोगी होने से कौन बचाएगा? मित्रों, माँ का कर्तव्य मात्र बच्चे को पालना, यानी कि सिर्फ एक सांस ले ले बच्चा और उसको बस बड़ा हो गया, ऐसा नहीं होता है। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि माँ पहली गुरु होती है। अर्थात आज हम एक चीज़ अपने समाज में देख रहे हैं कि कहीं माँ अपनी जिम्मेदारी से पीछे हो रही है। उसके पीछे बहुत बड़े बड़े कारण हैं। आज माओं के हाथ में जो मोबाइल आ गया है, मैंने देखा है, हाथ में एक बच्चा सो रहा है, एक बच्चा बगल में बैठा है, पर माँ मोबाइल में गेम खेल रही है या माँ मोबाइल में गाने देख रही है। क्यों? उसको अपने बच्चों में रुचि नहीं आ रही है, उसको उस मोबाइल में रुचि आ रही है। मैंने ऐसा कई बार ट्रेन में बहुत सी माओं को करते देखा है। वो कहती है, हम एंजॉय कहाँ करें? मित्रों, यदि आपके लिए बच्चा एंजॉयमेंट नहीं है तो बच्चे का जन्म आपके घर में व्यर्थ ही हुआ है। आपने बच्चा मात्र समाज के लिए किया, आपने बच्चे को जन्म दिया मात्र समाज के लिए, क्या ये उचित है? बच्चे से बड़ा खिलौना कुछ नहीं होता। और यदि आपके पास एक या दो खिलौने होने के बाद भी आपको गेम खेलने की आवश्यकता मोबाइल में पड़ती है, तो आप सोचिए ना, आपकी सोच कैसी है, आपकी सोच क्या है? जब तक आप इस सोच की दिशा को सही नहीं करेंगे, तब तक आप अपने बच्चे को एंजॉय नहीं कर पाएंगे। मित्रों, बच्चे हैं, हर स्थिति में हमें एंजॉय करना आना चाहिए। बच्चे जो है ना, बच्चों की जो स्थितियां, बच्चों की जो हरकतें होती हैं वो इतनी लुभावनी होती हैं, इतनी अच्छी होती हैं कि वो हमें भरपूर एंजॉयमेंट देती हैं और हम उससे भरपूर एंजॉय कर सकते हैं। लेकिन एक माँ वो भी होती है, ये एक अच्छी माँ है जो बच्चों की जिद पूरी करती है, पर हाँ ये बुरी माँ भी है जो इस तरह से, क्योंकि जो माएँ बच्चों के लिए सब कुछ करती हैं, अर्थात बच्चों की बात ना सुन के बच्चों के लिए भोजन घर में बनाती हैं, बच्चे मुंह टेढ़ा करके उसको खाते हैं लेकिन फिर भी उनको खिलाती हैं, ऐसी माएँ होती हैं ना, उनको मोबाइल ज़्यादा इस्तेमाल करने का समय नहीं होता। वो माएँ वो होती हैं जो बच्चों को बच्चों के हिसाब का खाना तो नहीं देती, पर हाँ वो ये जानती हैं, मेरा बच्चा मुझे रोगी नहीं होने देना, मुझे अपने बच्चे को निरोगी रखना है, मुझे अपने बच्चे को स्वस्थ रखना है, तो वो अपने बच्चे के लिए वैसा भोजन बनाती हैं। और जब ऐसा भोजन ये बनाती हैं तो इनके पास समय नहीं होता और चीज़ों के लिए। मित्रों, आप कैसी माँ हैं? क्योंकि माँ पहले वो है जो अपनी संपूर्ण जिम्मेदारी को, अपनी संपूर्ण जवाबदेही को ठीक से निभाए, उसके बाद कुछ और बातें आती हैं। और यदि आपकी गलती की वजह से आपके बच्चों के, आपके देह में, कहीं भी आपके परिवार में किसी को आपकी गलती या किसी और की गलती की वजह से कोई रोग विशेष हो गया है, तो हमारी बहुत सारी प्लेलिस्ट और भी हैं जिनमें हमने बहुत सारे वीडियोस दिए हुए हैं और हर वीडियो में रोग अनुसार, वीडियो के में रोग के अनुसार पॉइंट्स आदि दिए हैं। साथ ही हर वीडियो के विवरण में नियम पालन प्राणायाम दिया हुआ, इस वीडियो के विवरण में भी आपको मिल जाएगा। नियम पालन और प्राणायाम करने से आपके मन, मस्तिष्क और देह का हर रोग ठीक होता है और साथ ही आपके बाल झड़ने से लेकर कैंसर तक के रोगों का समाधान मैंने वहां आपको दे रखा है। वो कोई प्रश्न तो टिप्पणी वीडियो पर करिए, उत्तर आपको जल्दी मिल जाएगा।
धन्यवाद। वंदे मातरम।